वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 19B को सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले एक्सरसाइज 19B को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, हमें कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में। तो वो चीज़ हम देखते हैं क्या क्या हमें पता होनी चाहिए ये जो है एक्सरसाइज 19B को बनाने के लिए। और ये देख रहे हो आप एक्सरसाइज 19B का ये क्या है, यहाँ पर वाइट, हाँ वाइट है, तो इसे कलर चेंज करना होगा हमें। ये देखिए 19B में पार्ट वन है फ्रेंड्स, ओके पार्ट वन है, ओके। तो ये क्या है, अब हमें बेसिक थोड़ा सा समझना होगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 19B को पढ़ेंगे या फिर सॉल्व करेंगे। तो बेसिक में अब हम लोग देखते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फिर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर यूनिट ऑफ वॉल्यूम देखेंगे, ओके। तो देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, हम लोग तो पहले से ही जानते हैं लेकिन कभी यूज़ नहीं किए हैं, तो आ गया यूज़ करने का मौका। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया, वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। कितना अच्छा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, कितना अच्छा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो, क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एज का क्यूब, एज का क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ओके। अब डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होता है, रूट थ्री इंटू एज, ओके, जितना भी किनारा रहेगा रूट थ्री उससे गुना कर देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, यदि आप डायगोनल ऑफ क्यूब दे दिया तो अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल सिलेंड्रिकल बेस इनटू हाइट, ये भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और पाई स्क्वायर एच ये भी कर सकते हैं, ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, पाई स्क्वायर एच हम लोग कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या है, क्यूबिक मीटर, द अमाउंट ऑफ स्पेस, क्यूबिक मीटर क्या होता है वो देखिए, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर इज नोन एज 1 क्यूबिक मीटर, ओके। तो क्यूबिक मीटर अब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, मतलब कि डिफाइन कर लिया है, तो ये चीज़ हमें याद रखना होगा फ्रेंड्स। ये देखिए इतना सारा है, 1 2 3 4 5 है, ये हमें याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये आपको आगे वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, ये भी आई है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये देखिए मैं इसे कर देता हूँ, भी आई है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसी के लिए आप लोग इसे कभी भूलना मत। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर या फिर 1000 DMQ, ओके। 1 मीटर क्यूब का क्या होता है, वो 1 2 3 4 5 6, 1/6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1,000,000, 10,000,000, 10,00,000, यानी कि 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 DM इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या होता है, 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ml मतलब क्या होता है, मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर क्या होता है, 1 मिलीलीटर, और इज इक्वल टू 1000 mm क्यूब, ओके। और क्या होता है, 1 mm क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 0.001 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद करना है, अच्छे से याद करना है, कभी भुलाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ 1 फेस ऑफ द क्यूब। देखिएगा फ्रेंड्स, यही फर्स्ट ही क्वेश्चन में आप लोगों को ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे आप लोगों को, आप लोग क्या कर दोगे, आप लोग कुछ उल्टा पुल्टा कर ही दोगे, हमें पता है कि कुछ उल्टा पुल्टा कर दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 फेस ऑफ ए क्यूब, 1 फेस, ओनली 1 फेस बोल रहा है फ्रेंड्स, यह पूरा क्यूब का नहीं बोल रहा है पेरीमीटर, ओनली 1 फेस क्या दिया गया है, 20 मीटर। तो वॉल्यूम निकालना है फ्रेंड्स,
तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइड निकालना होगा। तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर बाय 4 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो आराम से निकल जाएगा। एज का क्यों होता है, मतलब कि साइड का क्यों होता है, तो साइड ऑफ द क्यूब का क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो जब हमें साइड निकल गया है तो एज का क्यों होता है, तो साइड का क्यों होता है, तो 5 का क्यों निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में, तो क्या होगा 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेकंड नंबर ये हमारा पार्ट वन है, तो सेकंड नंबर ही तक ही इसके ये पार्ट में काफ़ी है फ्रेंड्स। तो सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा सेकंड नंबर। ए सर्टेन क्वालिटी ऑफ वुड कॉस्ट ₹250 per m³। ए सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ सच वुड इज अबाउट फॉर ₹182.25। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द ब्लॉक। ओके, एक वुड है फ्रेंड्स, तो वुड का रुपीज़ कितना है, रेट कितना है, ₹250 per m³। तो सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ सच वुड क्या होगा, तो वो है, वो भी खरीदा गया फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, आप लोग इसमें भी गलती कर सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है रेट और ये दिया गया है टोटल ख़रीदने का पैसा। ओके, यदि आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि रेट कम रहता है, ख़रीदने वाला जितना में खरीदे वो ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर रेट ज़्यादा है और ख़रीदा कितना में वो कम है फ्रेंड्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो गिवन दैट में क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या होता है, ₹250 per m³ होता है। तो न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्यूब बाय कॉस्ट ऑफ वुड कर देंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ क्यूब बाय कॉस्ट ऑफ वुड निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.7729 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है 182.25 बाई डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि 250। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा टोटल पैसा है फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या कर देंगे 250 बाई 182.25 कर देंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वैसे आपका आंसर में गड़बड़ी आ जाएगी और आपको नंबर भी नहीं मिल सकता है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्यूब बाय कॉस्ट ऑफ वुड करेंगे, ना कि कॉस्ट ऑफ वुड बाय कॉस्ट ऑफ क्यूब करेंगे। ओके, तो ये क्या निकालेंगे हमें, हमारा न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.729। ओके, तो 0.729 तो हमारा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द ब्लॉक, वॉल्यूम में निकालना है और जो ब्लॉक है उसका एक एज भी निकालना है। तो साइड का क्यू इज इक्वल टू होता है 0.729 मीटर, ये होता नहीं है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया 0.729। तो साइड का क्यूब है तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर रहता है तो उधर रूट अंडर रूट में चल जाता है, तो वैसे ही इधर क्यू है तो इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंड, ये 3 हो जाएगा और ये ऐसे करके ऐसे 0.729 इसके बाद फिर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने देखे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी की है फ्रेंड्स, वो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पर क्या छोड़ा है। देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है साइड का क्यू, साइड का क्यू इज इक्वल टू ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स, कभी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्यू है, यदि यहाँ पे स्क्वायर रहता ना फ्रेंड्स तो यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वैसे करना होगा। ये कैसे लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये देखिए, ये हमें ऐसे करके लिखना है, वैसे आप लिख दे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वो गलत हो जाएगा, 0.729 ये हमें लिखना होगा फ्रेंड्स। ओके, यदि आप ऐसे लिखोगे ना फ्रेंड्स तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा निकल गया, ये साइड बराबर क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर हमारा हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो निकल ही गया 0.729 मीटर की, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब भी निकल ही गया 0.9 मीटर। तो इसी के साथ हमारा 19B का जो पार्ट वन है 19B का, वो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आप इस चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।